Hi, good morning friends and welcome to my new vlog and good morning Leah. Hi, good morning. Good morning, special Kashmiri bread. Yeah, normal. Good morning. Good morning. सब लोग रेडी हो चुके हैं. डिपार्चर फ्रॉम ले. गुड मॉर्निंग रिक्सिन भाई. गुड मॉर्निंग सर. रेडी रेडी विद पूरा तोफ. चलो बेस्ट ऑफ लक. मिलते हैं जल्दी. आज हम लेह से चांगला होके जाएंगे मेरठ. लेह से मेरठ की दूरी लगभग 175 किलोमीटर है. इस सफ़र में आपको काफ़ी सारे गोम्पास मॉनेस्ट्रीज दिखेंगे. चांगला पास होके हम लोग मेरठ जाने वाले हैं. चांगला पास के पहले स्नोकॉक के लिए बहुत बढ़िया हैबिटेट है, सो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे. वूली हेयर, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं. ऊंचे पहाड़ी वाले घास के मैदान और पथरीला इलाका इन्हें बेहद पसंद है. मोटी जाड़ी वाली फर, लंबे से कान और कान के टिप पे काला सा धब्बा, ये इनकी पहचान है. अरे वाह, चुकार पार्ट्रिज की पूरी फैमिली ऊपर जा रही है. अरे रुक जाए, आह मस्त. टिबेटन स्नो कॉक, अरे वेट, और एक आ रहा है. आहा, क्या बात है, एकदम बीच रास्ते में कर दिया. चलो इनका थोड़ा सा इलाका देख लेते. पर्वतीय घास के मैदान, पथरीली ढलाने इनका पसंदीदा इलाका है. इस इलाके में आप इनको हिमालयन स्नोकॉक के साथ में भी देख सकते हैं. दोनों ही थोड़े से दिखने में सिमिलर है, लेकिन ये जो टिबेटियन स्नोकॉक है इसका आप अगर कान का पैच देखेंगे तो वो पूरा ज़्यादा वाइट है, क्योंकि उसके बाजू में ग्रे कलर से वो एकदम उठावदार हाईलाइट हो जाता है. चलो अब ढूंढते हैं हिमालयन स्नोकॉक को. क्या एंट्री थी भाई, एक नंबर. टिबेटियन स्नोकॉक की तुलना में देखेंगे तो ये बहुत साइज में बड़ा है और इसका जो अंडरकोट देखेंगे वो भी डार्क है. इनमें नर और मादा दिखने में सेम दिखते हैं, लेकिन नर मादा की तुलना में साइज में बहुत बड़ा होता है. चलो अब इनको मस्त चरने देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते. कैसे लगा? तो इसमें हिमालयन स्नोकॉक और टिबेटियन स्नोकॉक और उसका फैमिली
और बहुत ही अच्छा नजदीक से भी वीडियो आया, सब फोटो वीडियो सब, मेल फीमेल बच्चे। लास्ट टाइम हम लोग को हिमालयन स्नोकॉक दिखा था लेकिन बहुत दूर से था, इस टाइम बहुत नजदीक से था। और तिबेटियन स्नोकॉक स्पेशली मेरा लाइफर था, मेरा भी लाइफर तिबेटियन स्नोकॉक, यस हम दोनों का लाइफर था, तो बहुत ही अच्छी तरह हमने कवर किया। करेक्ट, यस सुपर डुपर लाइफर। अभी हम मूव मीटा करेंगे। यस चलो रिक्सिन भाई, यस चलो अभी जाते हैं, थोड़ा आगे देखेंगे और कुछ मिलता है क्या, ट्राई करेंगे। चलो मुंह मीठा करेंगे सोन पापड़ी से। धूप बढ़ चुका है सो अब टाइम आ गया है सनस्क्रीन लगाने का। यहाँ सनलाइट देखिए कितना हार्श है, सो कोई भी हालत में सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा। व्हाइट विंग रेड स्टार, इसे गोल्डन स्टैंड्स रेड स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये शायद से इमैच्योर है, अगर मेल मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये दोनों को शायद से मेल मिल गया है। ये नर के कलर देखिए कितने उठावदार है, इसकी कैप तो मस्त है वाइट। पर्वतीय पथरीले घास के मैदान इन्हें बहुत पसंद है। ऑन द वे जरा हम यहाँ पे व्हाइट थ्रोटेड डीपर ढूंढने के लिए रुके एंड टारगेट लॉक। व्हाइट थ्रोटेड डिपर, ये व्हाइट थ्रोटेड डिपर की कैशमेरेंसिस सब स्पीसीज है। छोटे छोटे जलीय जीव, मछलियां, कीड़े मकोड़े इनका आहार है। ये देखिए अभी ये जंप मारेगा, अरे यार इसने इरादा चेंज कर लिया, शायद पीछे जा रहा है। ओ फाइनली जंप ले ली, थैंक यू ब्रो। रिक्सिन भाई मस्त निकाल रहे हो यार मोबाइल से डायरेक्ट। ये मस्त क्लोजअप मिला है, इसको मैं थोड़ा स्लो मोशन पे शूट करता हूँ सो दैट आपको काफ़ी सारे डिटेल्स इसके मिल जाएंगे। फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड दैट्स इट, टारगेट डन। अब ये पूरा हैबिटेट देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ के बिलों में आपको शायद पीका भी मिल सकते हैं। ओह आठ से अंदर चला गया, और इन पीका को खाने के लिए यहाँ पे बजार्ड जैसे रैप्टर्स भी आते हैं। दूर से ही सही एक रिकॉर्ड शॉट तो ले लेते हैं। चांगथांग का ये एरिया बेहद प्रॉमिसिंग है, मैं क्या बोलता हूँ यहीं पे रुक लेते हैं, जरा ब्रेकफास्ट करेंगे। और रेगुलर चाय
बाजू में लेक मस्त लेक साइड कृष्ण यू कैन हैव द बिस्किट्स या यू कैन हैव द बिस्किट्स आल्सो अब आगे सीधा खाना खाने के लिए रुकेंगे सो अभी लगभग दोपहर के 12 बज चुके हैं 12 साढ़े 12 हो चुके हैं भूख भी लगी है सो हम लोग तांसे में रुके हैं ओ मैन ऑर्डर दिया अच्छा दो थाली और एक राइस का हाँ बस ये देखिए द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट जिन भाई जरा रुको तो वो देखो क्या जा रहा है और ब्लू शिप जा रहा है ऊपर इतना फास्ट दौड़ रहे कि फोटोग्राफी का कुछ चांस ही नहीं ये कौन सा जगह है और क्या है ये टंगचे है सर अच्छा पहले 62 में चाइना यहाँ तक पहुँच गया था ओह इसके बाद एक नाम था मेजर शैतान सिंह उसने 18 जवान लेके यहाँ से भगाया सुशील तक सुशील में उसका शूज खत्म हो गया अमुनेशन खत्म हो गया अच्छा नहीं तो और आगे ले जाना था उसने सुशील में उसने दाम तोड़ दिया ओह बाबा इधर तक इतना लाया उनको सैल्यूट हमारी तरफ से अब आएगा मॉर्मोट पॉइंट लोकली इन्हें फिया नाम से जाना जाता है और ये पहाड़ी घासों के मैदान में रहना पसंद करते हैं। वास्तव में ये एक बड़ी गिलहरी है आपस में ये एक दूसरे से सिटी से बात करते हैं खेल कूद कर मिलजुल कर रहना इनका प्राकृतिक स्वभाव है अरे वाह क्या पोज दिए देखो भाई ने ये देखिए कितने नजदीक से फोटोग्राफी पॉसिबल है रोड से आते जाते टूरिस्ट यहाँ उतर के मॉर्मोट को कुछ न कुछ खाने के लिए देते हैं और इसके लिए मॉर्मोट भी उनके बहुत नजदीक आते हैं लेकिन वाइल्ड एनिमल को इस तरह खिलाना उचित नहीं है कॉटेज देखिए एकदम लेक को लग के पेंगोंग झील लगभग 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है लगभग 160 किलोमीटर तक फैली पेंगोंग झील का एक तिहाई हिस्सा भारत में और बाकी दो तिहाई हिस्सा चीन में है इतनी विशाल ये झील है ये देखिए रास्ते में ऐसी गाड़ी भी फंस सकती है इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या कार्यक्रम चालू किया है मस्त रजाई धो रहे एंड फाइनली हम लोग अपने होमस्टे पीसफुल होमस्टे पे पहुंच चुके हैं मेरक में ये देखिए आराम से 3 जन यहाँ पे रह सकते हैं ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे ये होमस्टे है ये होमस्टे का आगे का व्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये मेरक में पहुँचे थोड़ा सा सांस फूल गई है क्योंकि अल्टीट्यूड जो है लेह से ये ज़्यादा है आई थिंक 4,200 या समथिंग है और फिर भी हम लोग अभी जस्ट चाय पी के यहाँ पे ढूंढने जा रहे हैं कुछ सैंड क्राउज या ऐसे कुछ बर्ड्स वगैरह यहाँ के जो स्पीसीज है वो अगर मिलते हैं क्या देखने के लिए लेट्स सी वूली हेयर मस्त स्ट्रेचिंग कर रहे ये देखो दूसरे भाई साहब कहाँ छुप के बैठे
हिमालयन रेड फॉक्स। शिट, भाग गया। रुका रुका रुका। अब निकलने का वक्त हो गया, लाइट भी कम हो रहा है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा जाते जाते आपको दिखाता हूँ। तो अभी जस्ट खकतत गांव से, जिसका मुझे प्रोनाउंसिएशन भी बराबर से आ नहीं रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो वहाँ से हम लोग अभी वापस मेरठ की तरफ जा रहे हैं, और हमें अभी पुली एयर मस्त मिला था कल सुबह। वापस हम लोग इधर आके देखिए पूरे पानी में से हमारा गाड़ी जा रहा है, कितना जोर जोर से पानी बह रहा है। चलो अभी थोड़ा मेरठ गांव का टूर हो जाए। यहाँ देखिए मिट्टी से कैसी ईंट बनाई जाती है। ये आप क्या बना रहे हो? हाँ सब ऐसे ही बना, ऊपर ही क्वेश्चन लगे कुशन। अच्छा मतलब बैठने के लिए है ये? अच्छा कैप है क्या बना हुआ है? कितने का आता है? 800। वो बनाने के बाद कैसा दिखता है वो देखना है। जबरदस्त। अरे वाह, देख खाना खा रहा था मैं, वीडियो लिया। हाँ देखो उलियर का बच्चा भी इनको मिला है। वाह कृष्णन भाई, नाइस, गुड। चलो ये देखिए शाम को सारे बाइकर्स यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं। आइए गाइस खाना खाने के लिए पीसफुल होमस्टे में। पीसफुल होमस्टे, ये होमस्टे का नाम जैसा पीसफुल है ना, वैसा ये जो जगह है मेरा वो भी एकदम पीसफुल है, है ना। और खाना तो एकदम बढ़िया। स्वीट बीट हमने सोचा भी नहीं था कि इतना रिमोट जगह पे स्वीट बॉइल्ड एग वगैरह सब कुछ मिलेगा, पापड़। लेकिन बहुत पापड़ वगैरह, मतलब घर के जैसा सब ये खाना है। रियली मतलब परफेक्ट होमस्टे। लोगों का होमस्टे रहता है लेकिन नाम के लिए रहता है, लेकिन ये प्रॉपर होमस्टे है। सो आप जब भी आएगा मेरठ में तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये जो होमस्टे में रहना, यस, और उनको हमारा नाम बताइए, आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो अभी मेरे साथ में सोनम शेरपा जो कि नेपाल से है वो है, और उनकी मिसेस है, और उनकी सिस्टर है। ये तीनों एक अच्छा टीम है, टीम बनके ये इंडिया में आए और पीसफुल गेस्ट हाउस में ये आए। अभी यहाँ पे ये कैंटीन चलाते हैं, कैंटीन सर्विस देते हैं, बहुत बढ़िया। ये तो शेफ है, इन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत एकदम होमली फूड, पूरा बफे सिस्टम। या और इनका एक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये दोनों मियां बीबी, दोनों हस्बैंड वाइफ जगह जगह घूमते, मतलब अभी 3-4 महीना यहाँ रहे। अभी नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? गोवा। ये देखो मैडम की तरफ, वापस गोवा। मैं गोवा जाने अगली बार। वाह वाह। और आप? आप पिछले साल? पता नहीं। पता नहीं, वो मैडम नेपाल ही जाने वाले। नेपाल ही जाने, डिसाइड करते हैं। अच्छा ये प्लान बनाती है और ये प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इस टाइप का इनका जो ये टीम है बहुत बढ़िया चल रहा है। और मैं आपको मतलब मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है, आप इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड घूम। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। यस, चलो बाय। मैं नेपाल पहुंचूंगी ना सर, आपको लाइक कमेंट शेयर जरूर करूंगी। आप मेरा टिकटॉक लाइक कमेंट शेयर कर देना। अरे वाह। सो गाइस रात के 8:30 बज चुके हैं, जस्ट अभी खाना खा के हम लोग रूम पे आए, और अभी फटाफट बैग वगैरह सब भरना है क्योंकि कल हमें यहाँ से चेकआउट करना है। कल हम जाएंगे हानले। हानले एक बहुत ही बढ़िया बर्डिंग डेस्टिनेशन है और एक खास टारगेट जो मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगा। सो वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। आज तो यहीं पे हम लोग व्लॉग खत्म करते हैं क्योंकि कल जल्दी उठना है। सो जल्दी सोना है। सो गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।